Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, what's going on in their mind? आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त, जिस वक्त आपकी रीडिंग देखने आए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है ये पर्सन बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा, बहुत टाइम हो गया है, क्या सोच रहा है ये इंसान, इसके माइंड में आप हैं या नहीं है, ये इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है और फिर देखेंगे इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और आपको लेकर ये पर्सन सोच क्या रहा है, ठीक है? तो थ्री सवाल्स, थ्री क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है? तो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? ओके, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग भी क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और वहां पे शॉर्ट कॉन्टेंट, शॉर्ट रीडिंग्स आपको मिल सकती हैं, पिका कार्ड मिल सकता है आपको, शॉर्ट एनर्जी अपडेट मिल सकती है आपको, आप ट्रैवल में हैं, काम में हैं, वर्कहॉलिक है, आपको डिटेल रीडिंग नहीं देखी जा रही, वहाँ पे आपको क्विक एनर्जी अपडेट है, ठीक है? आप क्विक टाइम में, कम टाइम में अपने आप को, आप कोई भी पाइल चूज करके आपको समझ में आ सकता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत लेंथी रीडिंग्स नहीं दे रही वहाँ पे मैं, ठीक है? ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, जिस पर्सन के माइंड, जिस पर्सन, जो पर्सन आपके माइंड में उसकी लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त, उसका फोकस, उसका उसका थॉट या उसका ध्यान अपनी लाइफ के किस हिस्से पे है, ओके? आपके पार्टनर स्टॉकिंग पे बिजी हैं, ठीक है? यहाँ पे स्टॉकिंग, इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, आपके पर्सन कोई कंप्यूटर वर्क कर रहे हो सकते हैं, ठीक है? कोई आईटी रिलेटेड कोई फील्ड हो सकती है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ है, ठीक है? आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा अग्रेसिव पर्सन है, ठीक है? बहुत ज्यादा पैशनेटिव लग रहा है ये मुझे राइट नाउ, बहुत एनर्जी बूस्ट हुआ हुआ है आपके पर्सन का, ये थोड़ा सा पैशनेटिव, एग्रेसिव और थोड़ा सा एक मतलब कि एक एग्रेसिव पैशन इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है, ठीक है? लेकिन कोई कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रहा है ये पर्सन, या तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम कर रहा है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू आइडिया, आपके पार्टनर की लाइफ में किसी न्यू आइडिया पे आपके पर्सन न्यू किसी चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं या एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वर्क में, काम में या यहाँ पर किसी भी चीज में, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आपके पर्सन की लाइफ में, एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल किसी चीज का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? किसी बहुत आपके पर्सन के अंदर राइट नाउ एक स्पार्क नजर आ रहा है, पैशन नजर आ रहा है और अपनी लाइफ में किसी फाइनेंसेस, कहीं फाइनेंसेस रिलेटेड आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा वर्क करा है, ठीक है? एफर्ट डाला है, उसका रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत होप है आपके पर्सन को उस एफर्ट, उस काम करने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा होगा। भाई मुझे एक वर्क रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? वर्क रिलेटेड कह रही हूँ, आपके पर्सन को कहीं बहुत ज्यादा होप नजर आ रही है, आपके पर्सन का ध्यान बहुत ज्यादा वर्क, काम पे है, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू काम स्टार्ट किया आपके पर्सन ने, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट, थोड़ा सा वेट, हाँ, आपके पर्सन माइंड गेम्स, नेगेटिविटी, ये पर्सन अब इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना चाहता, इसका फोकस अपने कैरियर और काम, कुछ न्यू स्टार्ट करने पे, ठीक है? अगर इसने आपके साथ पास्ट में कुछ किया है तो वो चीज ये जानता है, इसने पास्ट में शायद ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को डिच करना या धोखा देना, किसी दो नंबरी से पैसा कमाना या कुछ भी, और आपसे भी कुछ नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी करना नहीं, इस पर्सन, ये पर्सन आपका ध्यान अब पॉजिटिव साइड पर है, मतलब कि बहुत पॉजिटिव हो रहा है, कुछ भी करना है, अच्छा करना है, सही रास्ता चूज करना है, आपके पर्सन का माइंड सेट ये है, ठीक है? अच्छी, देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में और क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करेंगे किस तरीके की चीजों पे आपके पर्सन का ध्यान है, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स किस चीज को लेकर आपके पर्सन रिसर्चिंग, स्टॉकिंग या बहुत ज्यादा आपके पर्सन के अंदर चल रही है, कंप्यूटर रिलेटेड आपके पार्टनर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर रिलेटेड काम है, कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम हो सकता है आपके पार्टनर का, ठीक है? ओके, कोई अकाउंट्स रिलेटेड हो सकता है, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स, ओके। भाई आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन के दीवाने हैं, ठीक है? इंटरनेट के थ्रू या तो कुछ ना कुछ है जो आपके पार्टनर की लाइफ में कनेक्ट, लोग आपके पर्सन से बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी चार्मिंग सी है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये पर्सन, ठीक है? ये पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ है, मैं आपको बता दूं ये नेगेटिव माइंडसेट से निकल रहा है, ठीक है? जिन चीजों के पीछे भाग रहा था उनको कट ऑफ कर रहा है, नेगेटिविटी को, डार्कनेस को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहा है, टेम्परेरी लोगों को, टेम्परेरी पीपल्स को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहा है, चाहे कोई दो नंबर काम भी हो सकते हैं, वर्क से रिलेटेड भी कोई ऐसा वैसा काम है, तो क्लियर कट इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आ रही है, एक मतलब कि पर्सन
अपने आप को प्योर कर रहा है, अपने आप को राइट पाथ पे चला रहा है, अपने आप को एक अवेकनिंग स्टेज है ये पर्सन। लाइफ में किसी भी तरीके का कोई गलत काम या गलत डिसीजन मेकिंग पे नहीं है ये पर्सन। काम को भी लेकर सक्सेस चाहता है लेकिन मेहनत से चाहता है, वर्क कर रहा है मेहनत से, सब कुछ करना चाहता है। इस वक्त ये कुछ आपसे हाइड भी कर रहा हो सकता है, गोस्ट भी कर रहा हो सकता है, क्योंकि आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है तो खुद भी सक्सेसफुल होना चाहता है। आपने कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो इसको भी कुछ कुछ अचीव करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं, बिजी हैं और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रही आप दोनों के बीच, क्योंकि जस्टिस नहीं है, बैलेंस नहीं है, आपके पर्सन ने आपको बैलेंस नहीं दिया। इम्बैलेंस होने की वजह से रिश्ता खराब हुआ है आप दोनों का, इस पर्सन की गोस्ट करने की वजह से या इस पर्सन की चीजें हाइड करने की वजह से या बहुत आपको मैनिपुलेट या माइंड गेम खेलने की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है आप दोनों के बीच, क्योंकि जस्टिस नहीं था, बैलेंस नहीं था। आपका फोकस अपने सेल्फ पे है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हुए हैं या आपको कोई सक्सेस मिल रही है या आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको देखकर काफी मतलब के इम्प्रेस हो रहा है, मतलब के काफी आपको लेकर इस पर्सन के अंदर जिस तरीके की आपकी एनर्जी पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ है या पॉजिटिविटी की तरफ है, इंस्पायर कर रही है आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को, ठीक है। आपका सक्सेस होना या आपका आपका इतना ग्रो कर जाना, इतना एक प्योर मतलब कि आपने सही रास्ता इस्तेमाल करा और बहुत जल्दी बहुत फास्ट सक्सेस हासिल करी। आपके पर्सन जितना नेगेटिव और टॉक्सिक दो नंबर रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे, आपके पार्टनर सक्सेसफुल उतने हो नहीं पाए, ठीक है। कम मेहनत में कम टाइम में आपने बहुत सक्सेस हासिल करी, आपके पर्सन आपसे आपको लेकर काफी इंस्पायर है, ठीक है। आपने कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा है या आप सोशल मीडिया किसी इन्फ्लुएंसर हैं आप, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आप कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब अचीव करी है या आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, या अपनी सेल्फ को लेकर काफी आप प्रोटेक्टिव हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस आ चुका है, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके कॉन्टेक्ट करने का भी इंतजार है इसके अंदर, ठीक है, कि आप खुद से इस पर्सन को अप्रोच करें, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही। आप एक स्ट्रांग ऑरा कैरी कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो पा रही। गोस्टिंग बार बार डिनाई इसने करा, या तो गोस्टिंग इसने करी बार बार इस रिश्ते को लेकर, एंडिंग इसने करी, इसने माइंड गेम्स खेले, तो ये समझ नहीं पा रहा आपको अप्रोच कैसे करे। एक तो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को कट ऑफ करके एक लाइट की तरफ मूव कर रहा है, डार्कनेस को कट कर रहा है, नेगेटिव पीपल्स को खत्म कर रहा है, कार्मिक लोगों को खत्म कर रहा है, नेगेटिव जो जैसे कि अगर एक फ्रेंडशिप लेवल बहुत नेगेटिव रहा है तो इन्फ्लुएंस रहा है नेगेटिविटी से, वो सब डिटैच हो रहा है, ठीक है, डिटैचमेंट है। कार्मिक लोगों से डिटैच होना, कर्मा से खत्म, अपने मतलब के टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन के माइंड में क्या है राइट नाउ, आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में क्या है? देखिए मैं आपको कह रही हूँ ना, आप कुछ कर रहे हैं, इस पर्सन की नजर में आप काफी प्रोटेक्टिव नजर आ रहे हैं, इस पर्सन को आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी विश कोई कम ट्रू हो रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुश हैं, आपकी विशेस कम ट्रू हो रही है, आप अपनी विशेस को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं जानता है आपके अंदर कहीं ना कहीं आज भी इस पर्सन का इंतजार है, वेट है, या आप अपनी लाइफ में अभी भी अपने जैसे कि आप कंफ्यूज हैं या नर्वस हैं, ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर अपनी लाइफ में आप इतना आसानी से किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे या कोई किसी और की तरफ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएंगे, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप कंफ्यूज, कोई आपको कंफ्यूज करेगा आप उसको कट ऑफ कर देंगे, कोई आपको नर्वस करेगा आप उसको कट ऑफ कर देंगे, कोई आपको मतलब क्या टेम्परेरी आपको कोई ऑफर करेगा आप उसको कट ऑफ कर देंगे। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं आप अपने पर्सन की नजर में, ठीक है, ये पर्सन जानता है आप सही और गलत जानते हैं। कोई आपको अब जैसे कि चेंज नहीं करवा सकता, वो टाइम गया, ठीक है, आप गलत और सही का फैसला खुद कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहा है और होपलेस हो रहा है कि इसने जो आपके साथ किया है, मतलब कि 5-5 की एनर्जी है इस पर्सन ने, आपको काफी ज्यादा अपने आप को चेंज करवाया है, ठीक है, काफी ज्यादा अपसेट करा है, आप टॉक्सिक पैटर्न में रहकर आप इस पर्सन के पर मतलब कि स्टक, टॉक्सिसिटी, कंफ्यूज, स्टक, लेट गो करना, ठीक है, ये पर्सन नहीं समझ पा रहा, इसने ब्लॉक किया था आपको, ठीक है, ये इस साइकिल को क्लोज करके गया था, अब वो पता नहीं किसके लिए गया था लेकिन इस साइकिल को क्लोज कर दिया था आपके पार्टनर ने, ठीक है। ये पर्सन नहीं जानता कि आपको कैसे अप्रोच करे, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक चेस करा है, अब आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, हाँ या ना, पास की क्लैरिटी दो। ये पर्सन पास के बारे में बात नहीं करना चाहता, बहुत हार्मिट एनर्जी है, खामोश है, साइलेंट है, होपलेस है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कर्मा फेस कर रहा है इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में जितना इसने अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स या अपनी लाइफ में जितनी जल्दी सक्सेस हासिल करी थी उससे कहीं ज्यादा कम टाइम में अपने आप को प्रोटेक्टिव कर लिया, अपने आप को अपने पीस
इंक्रीज कर लिया। ठीक है, पर्सन जानता है, सोच रहा है आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस क्रिएट हो गए होंगे, बहुत से लोग होंगे जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे होंगे। ठीक है, बहुत से लोग होंगे जो आप, इसने आपको ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपको छोड़कर गया था, इसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, इस साइकिल को इस पर्सन ने कंप्लीट करा था या खत्म किया था। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप भी थोड़े से डिटैचमेंट पे हैं, आपके पार्टनर आपको डिटैच देख पा रहे हैं इस पर्सन से। ठीक है, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपने बहुत टाइम तक वेट करा, इंतजार करा और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आपका ड्रीम यहाँ पर 10 of cups था। ठीक है, आप इस रिश्ते को छोड़ चुके हैं, आप इस कनेक्शन से डिटैच हो चुके हैं। ये पर्सन आपको लेकर काफी पैशनेट हो रहा है और आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है। आपके पार्टनर एक, आप लोग डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट माइंडसेट या डिफरेंट जगहों से आ सकते हैं, आप लोग के बीच डिफरेंसेस बहुत थे, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन जब तक ये पर्सन पॉजिटिव हुआ है, कोई एक्स हो सकता है जिसके साथ आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। आप लोग का कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ये सही है, ये कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप जब इससे मिले थे तो डिफरेंसेस बहुत थे, या तो ये पर्सन काफी एजुकेटेड था, इसकी लुक्स और आपकी लुक्स में डिफरेंट था। ठीक है, इसने लुक्स की वजह से आपको रिजेक्शन फील कराई, इसने एजुकेशन की वजह से रिजेक्शन फील कराई, फैमिली कास्ट कल्चर की वजह से रिजेक्शन फील कराई। मतलब कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल था, अपने जॉब पैसे के पीछे भाग रहा था। ठीक है, अपने आपको सेटलमेंट चाहिए थी, इसको लव वव नहीं चाहिए था, इसको लव से प्यार नहीं था, इसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए थी, इसको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी। इस पर्सन ने कम टाइम में बहुत सी स्टेबिलिटी हासिल भी की थी, जब इसने आपको छोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका था, इसको लग रहा था इसकी लाइफ में और ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे और लोग आ जाएंगे। ठीक है, बहुत टाइम तक आपने वेट करा, आप उसके बाद लेट गो करके गए। आपने इस पर्सन से लेट गो करने के बाद अपने सेल्फ को मेंटेन और बैलेंस करना स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन आप आज, ये पर्सन आपको अपने से ज्यादा सक्सेसफुल, अपने से ज्यादा बैलेंस, अपने से ज्यादा पॉजिटिव, अपने से ज्यादा बेहतर जगह पे देखता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने, जब से आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हैं, जब से आपने इस डिटैचमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, आप डे बाय डे अपनी लाइफ को बैलेंस और स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके रास्ते पे है। ठीक है, आपका लेवल बहुत ज्यादा, जैसे कि एक, आप एक लेवल अप हो चुके हैं और ये पर्सन आपके लेवल के बराबर तो नहीं है, लेकिन उसको समझ में आ रहा है, ये राइट, एक राइट फेस पे चलने का नतीजा है। ठीक है, एक राइट राइट आपने रास्ता तलाश करने का नतीजा है। आपने बहुत से एक पॉजिटिव आस्पेक्ट अपनी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एक्ट किए हैं। आपके पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन बहुत मतलब के एक फाइनेंसिस को लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस रहे, तो आपके पर्सन मेहनत जितनी कर रहे हैं उतना अर्न नहीं कर पा रहे और उनको समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं बाइंग उनका कह रहा है, कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर अपना। ठीक है, क्योंकि जहां इंसान, वहां कर्मा फेस करता है जिस इंसान को, जहां से बहुत ज्यादा होप होती है। ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद इंसान को अपने करियर और काम से ही होप होगी। कोई ना कोई काम इसने किया, कोई ना कोई मेहनत करी है, कोई ना कोई न्यू सेटअप डाला हुआ है, बहुत होपफुल है उस जगह से ये पर्सन। ठीक है, क्योंकि आपको सक्सेस हासिल करते हुए देख रहा है डे बाय डे, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैं क्यों नहीं, जब आप हासिल कर सकते हैं, जब आप इतने पॉजिटिव हो सकते हैं, आपकी लाइफ इतना पॉजिटिव चल सकती है। ठीक है, ओके, राइट नाउ क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या कहती हैं आपको लेकर, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहा है, ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेंथ इस पर्सन को चाहिए, ये अपने आप को बैलेंस कर रहा है। फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की राइट नाउ, ओके, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस और डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। मतलब कि एक ऐसी जगह खुद को ब्लॉक और स्टक कर लिया है इसने, जो इसने खुद चूज करी है। हार्ट ब्रोकन है भाई ये पर्सन, किसी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहा है डिस्टर्ब, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लोग मेहनत कर रहे हैं आपको पाने के लिए और आप इस पर्सन की लाइफ में खुद मिले थे इसको। ठीक है, तभी बोलते हैं अपने अपने ऊपर काम करें, ये चीज है आपको अपने ऊपर काम, इस पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। इस पर्सन को पता है अगर इसको आपकी तरफ आना है तो उसको अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को सही रास्तों पे चलाने की जरूरत है, तभी आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में राइट वे
सही है, राइट रास्ता तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच। एक साइकिल, एक फेज खत्म हो चुका है आपके पर्सन, अपनी गलती टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर चुके हैं जो आपके पर्सन ने किया इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत स्टेबल माइंड सेट हो रहा है ये पर्सन, एक प्लेयर की एनर्जी से निकल रहा है। ठीक है, अपने इमेच्योरिटी माइंड सेट से निकल रहा है, एक मेच्योर माइंड सेट में नजर आ रहा है इस पर्सन को। अगर न्यू फेज स्टार्ट करना है तो उसमें एक न्यू, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टेबल होना, एक स्टेबल पर्सन होना। मुझे आपकी लाइफ में दो मेल आते हुए नजर आ रहे हैं, कोई एक आपका पास्ट है जो आपका सोलमेट है, कोई एक न्यू है जो आप में काफी इंटरेस्ट ले सकता है काम। आप इस, ये मतलब कि एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप यहाँ पर अपने सोलमेट को डील कर रहे हैं, यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी। आप किसी मैरिज को लेकर काफी स्ट्रेस में, आपकी लाइफ में एक मैरिज प्रपोजल ढूंढे जा रहे हैं आपके लिए, या तो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सर्चिंग की जा रही है फैमिली की तरफ से। मुझे आपकी एक जो न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है इसमें दो मेल नजर आ रहे हैं, दो फीमेल या दो मेल। आपके घर वाले आपके लिए कोई प्रपोजल सर्च कर सकते हैं, आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, फैमिली आपकी मैरिज चाह रही है, फैमिली यहाँ पर। और आपकी भी ख्वाहिश है अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट पे आए, मैरिज और कमिटमेंट करें, अपने आप को सेट करें, फिक्स करें अपनी लाइफ में। आप कब तक आप अपनी जिंदगी में इस तरीके से मतलब के सिंगल इंडिपेंडेंट और मतलब के आप एक बैचलर लाइफ गुजारते रहेंगे? अब आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में, आप कोई काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपने आपको स्टेबल करें, बैलेंस करें। ठीक है, आप होल्ड करके बैठे हुए, आपकी ख्वाहिश भी यही है कि आप अपनी जिंदगी में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएं। ठीक है, बस ये है कि शायद अपने घर वालों को खुलकर आप इसलिए बात नहीं कहते, कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड आपकी पसंद, आप जिससे करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी तरफ से कोई आपको नो हाउ, कोई आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कमिटमेंट मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म होना जरूरी था। ये पर्सन स्ट्रेस में है, ये पर्सन डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ इसने ऐसा बुरा किया है आपके साथ, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसने जैसे कि अपने साथ एक बैड कर्मा प्ले कर लिया है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में मुझे एक तो ये पर्सन मैच्योर होते हुए दिख रहा है, और आपकी लाइफ में मुझे कोई एक ऑफर, यंग मैन या यंग फीमेल या यंग मेल का ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है जो आप में इंटरेस्ट लेगा, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहेगा। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट। तो इस वीडियो को एक बार रखते, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है, लेकिन अगर मैं इतनी जल्दी आप लोग की रीडिंग ऑफ कर दूँ ना तो ओके। रोमांस एंजल से देखते हैं, यहाँ पर मेरी सिस्टर आई थी, चली गई है। वेट, क्या हो सकता है इस रिश्ते का एक मतलब के व्हाट्स नेक्स्ट, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, आपकी रोमांटिक लाइफ किस तरफ जा रही है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। कॉन्सेंट्रेट करें आपके रिलेशनशिप में क्या चीज आपको इस कनेक्शन में अट्रैक्ट हो रही है। भाई रिकंसाइलेशन, आपका यहाँ पर रिकंसाइलेशन बहुत समवन फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है, इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ठीक है, किसी कोई पास्ट रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, प्लेफुलनेस, ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी एनर्जी में आना चाहता है। मैंने कहा ना कोई पास्ट है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, जो पास्ट है वो आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, रियलाइज कर रहा है, हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, जिस चीज के पीछे भागा वो नहीं मिली, जैसा आपको समझा वैसे नहीं, बहुत अच्छे निकले। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ठीक है, यहाँ पर फीलिंग्स को ही आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहता है। आपकी रोमांटिक लाइफ एक रिकंसाइलेशन पे जा रही है। ठीक है, आप किसी के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग को एक दूसरे को जानना बेहतर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है अब इस टाइम पे। ठीक है, रिट्रीट, भाई आपका यहाँ पर एक मैं कह रही हूँ ना डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये पर्सन चाहेगा आपके साथ डिस्कनेक्ट होना। यहाँ पे डिसेप्शन, एक डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ इसने। ठीक है, पैशन ही आपको लेकर, पैशन, लव, फीलिंग्स फील करता था इसने कभी, बहुत ज्यादा इसने, इसका कोई पास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, इसने अपनी लाइफ में वेरी सून कुछ आपकी लाइफ में, ये पर्सन वेरी सून कुछ आपको मतलब कि एक्सप्लेन करेगा, या वेरी सून आपको कोई ऑफर करेगा फॉर गिविंग एंड लर्निंग। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिससे डील कर रहे हैं वो स्ट्रगलर है। ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है, इसने चाइल्डहुड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब गुजारा है, तो इसने प्रैक्टिकल सोचा, प्रैक्टिकल एक्शंस लिया, प्रैक्टिकल मूवमेंट करी अपनी लाइफ में, लेकिन डेस्टिनी को जो मंजूर होता है वो मंजूर होता है। कहीं ना कहीं इसका झुकाव, या कहीं ना कहीं इसकी स्पिरिचुअलिटी कह रही थी, कहीं ना कहीं इसका इनर सेल्फ कह रहा था कि आप एक राइट पर्सन है, आपके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, आपके साथ लाइफ आसान हो सकती है, आपके साथ इसको पॉजिटिविटी जो औरों में नहीं दिखता थी, वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, वो लॉयलिटी, वो ऑनेस्टी, वो एक आपके साथ कदम ब कदम साथ चलने वाला इंसान, लेकिन एक माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट ये कह रहा था नहीं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर ली,
ये मतलब कि लव रोमांस किसी से भी हो जाता है, कुछ इस तरीके का इंसान था। इसने अपनी लाइफ में एक मतलब कि शॉर्टकट लेने के लिए, या मतलब कि शॉर्टकट, इसको शायद शॉर्टकट पे काम करा इसने, ठीक है। शॉर्टकट पे कोई फीमेल भी हो सकती है जिसके पास अच्छी जॉब, जिसके पास अर्निंग, या वर्क प्लेस पे अफेयर कर लेना, वर्क प्लेस पे काम की जगह कनेक्ट कर लेना, आपके साथ कनेक्टेड था लेकिन सडन डिस्कनेक्ट हो गया, वर्क प्लेस पे अफेयर हो गया इस पर्सन का, ठीक है। मतलब किसी तरीके की इसने स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ में, उसकी वजह से ये पर्सन डिस्टर्ब हुआ है। इसने प्रैक्टिकल फैसले, प्रैक्टिकल डिसीजन, इसने दिल से कुछ फैसले किए जिसमें इसको हर्ट, पेन, तकलीफ मिली, लेकिन जहां दिल से फैसला करना था वहां इसने माइंड को इस्तेमाल करा, आपको प्रेशर दिया, आप मेंटली आप स्ट्रेस में रहे इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये मतलब कि इस इंसान ने प्रैक्टिकल इसलिए हुआ क्योंकि ये अपनी लाइफ में जैसे कि दिल दिल को जो है ना, ये अपने अपनी जिंदगी में उस चीज का इस्तेमाल कर चुका था, या उस चीज कैसे चलाना है, दिल कैसे मूव कर सकता है, दिल कहाँ जा सकता है, दिल क्या कर सकता है, तो इसने सब करके देख लिया था। दिल के हाथों ही थक चक थक जैसे कि हर्ट हो चुका था, क्योंकि मुझे एज डिफरेंस लग रहा है। इस पर्सन का पास्ट है, ठीक है। इस पर्सन का कुछ पास्ट, इसकी पास्ट हिस्ट्री चलती हुई आ रही है एक रोमांटिक लाइफ की। इसका फर्स्ट कनेक्शन नहीं है, इसकी लाइफ में हिस्ट्री रही है, कहीं इसने खुद धोखा खाया हुआ है अपने, जैसे कि बहुत ज्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व होकर कहीं बहुत ज्यादा ये हर्ट हुआ हुआ था ऑलरेडी जब आपकी लाइफ में आया, और आपको लगा ये मेच्योर पर्सन है, आपको अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड करने के बाद इसने बजाय इसने आपको हर्ट और पेन दे दिया, ठीक है, एट दी एंड। तो यहाँ पर ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का दिल जो है ना, जैसे क्या होता है ना कि क्लिक कर जाता है, यार एक बड़ा डिसेंट सा इंसान है, बड़ा सोबर टाइप पर्सन है, यहाँ पर कुछ है जो उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, कुछ मेरा बन सकता है। बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, अच्छा फील होता है, कभी डिमांड नहीं करता, डिमांडिंग नहीं है मुझसे, हमेशा मेरे लिए कुछ अच्छा सोचता है, अच्छा करने की करता है, मुझसे कुछ होप नहीं रखता, सेल्फलेस होके काम करता है। बस आप क्या चाहते थे, प्यार, अच्छे से बिहेवियर, इस रिश्ते में ग्रोथ, ठीक है। तो आपका माइंडसेट ये कहता था सिर्फ इस रिलेशनशिप में आप इतने ही कनेक्टेड थे, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते में कोई सेल्फिशनेस या सेल्फिश नेचर नहीं रख रहे थे। आपके पार्टनर आपको सेल्फिश लगते हैं, आपको लगा कि आपके पर्सन ने सेल्फिश यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।